नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अतुल केशव आर्ट वर्क में। तो आज हम बनाएंगे देवों के देव महादेव श्री शंकर भोलेनाथ जी का स्केच, और मैं आपको साथ ही बताऊंगा कि क्यों सावन के महीने में शिव शंकर भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं। आइए चलते हैं और बनाते हैं शिव शंकर भोलेनाथ जी का स्केच। ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को इतना प्रिय क्यों है और शिव जी की महिमा का वर्णन भी करेंगे। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित रहता है। इस महीने में शिव की विधि पूर्वक आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। सावन में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, इसलिए इस माह में सोमवार के दिन भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। अभिषेक करने के बाद बेलपत्र, शामी पत्र, कुशा, दुग आदि से भगवान शिव की पूजा की जाती है और अंत में भांग, धतूरा, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। सावन के महीने में भगतजन गंगा या अन्य पवित्र नदियों से जल मीलों की दूरी तय करके लाते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कलयुग में यह भी एक प्रकार की तपस्या या बलिदान है, जिसके द्वारा देवों के देव महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है। सावन के महीने से जुड़ी अनेक घटनाएं प्रचलित हैं, उनमें से एक के मुताबिक जब शांत कुमारों ने भगवान भोलेनाथ से सावन का महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि माता पार्वती ने अपनी युवावस्था में सावन महीने में निराहार रहकर कठोर तप किया था, जिससे शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती से विवाह किया। कुछ घटनाओं में वर्णन आता है कि इस माह में समुद्र मंथन हुआ था। मंथन के बाद जो विष निकला शिव भगवान ने पीकर सृष्टि की रक्षा की थी और इसलिए सावन का महीना शिव जी की आराधना का महीना माना जाता है। यदि एक व्यक्ति पूरी विधि विधान से पूजा करता है तो वह सभी प्रकार के दुखों से व चिंताओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आइए चलते हैं और देखते हैं अपने स्केच की ओर। और आप देख सकते हैं कि स्केच में हर चीज को बहुत ही बारीकी से दिखाने का प्रयास किया गया है, चाहे फिर त्रिशूल हो, डमरू हो और चाहे वह फिर शेडिंग हो, सभी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया है। आपको कैसा लगा ये वीडियो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और कि मैं आपके लिए इसी प्रकार की अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूं और अंत तक वीडियो का लुत्फ अवश्य उठाएं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।